सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म डिफेंस ऑफ डिफेंस क्लासेस। तो आज जैसा कि हम लोग को पता होगा, हम लोग पार्ट थ्री कर रहे हैं अपना सेशन का। आप लोग को थंबनेल में भी दिख रहा होगा कि हम लोग एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए जो इंपॉर्टेंट जीके सीरीज थी, स्प्रिंट सीरीज, ठीक है, तो उसको हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है। तो आई होप आप लोग को बहुत ज़्यादा हेल्प होगा, गारंटी देता हूँ दोस्तों। मतलब जितने भी एस्पिरेंट लोग होंगे, 14 क्वेश्चन आते हैं हम लोग के यहाँ पे रागा में जीके के, ठीक है। जीके का क्वेश्चन आता है किसमें, रागा में 12 से 14 क्वेश्चन, इंक्लूडिंग करंट अफेयर भी रहता है, ठीक है। तो करंट अफेयर के लिए मतलब मैं आप लोग को मैं 90% बता रहा हूँ, मैं जो यहाँ पे यूट्यूब पे कराऊंगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कराऊंगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा सेशन, ठीक है ना, आप लोग के लिए। जो भी जहाँ पे भी पेड कोर्स लिए हो, ये वो जहाँ पे भी पढ़ रहे हो, ठीक है, जहाँ पे भी हम बता रहे हैं अभी आप लोग को क्या करना है, आप लोग को एक जगह फोकस करना लास्ट टाइम है, ठीक है। तो मैं गारंटी देता हूँ जितने भी हमारे चैनल से जुड़े हैं, ठीक है, और जो नए जुड़े हुए हैं, ठीक है, नए जुड़ने वाले हैं, ठीक है, जो नए एस्पिरेंट लोग हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा सीरीज, ठीक है। और आप लोग को एग्ज़ाम से पहले मैं ग्रुप एक्स के लिए भी कंप्लीट कराऊंगा, एक्स ग्रुप के लिए मैराथन सेशन लेके आने वाला हूँ, ठीक है, फिजिक्स और मैथ के लिए, ठीक है। तो जल्द ही आएगा, टेंशन मत लेना आप लोग, मैं काफ़ी कुछ करूँगा, आप लोग का पूरा सिलेबस लास्ट के 15 दिन में कंप्लीट करा दूँ, जैसा कि मैं करवाता भी आ रहा हूँ, ठीक है। काफ़ी कुछ यूँ ही नहीं बोलता हूँ दोस्तों, काफ़ी कुछ सेलेक्शन भी दिया है मैंने, तो कम समय में ज़्यादा आउटपुट देना हमारे चैनल के थ्रू है। मैं खुद भी सेलेक्टेड हूँ, अकॉर्डिंग टू आवर एक्सपीरियंस मैं आप लोग को सभी चीज़ चैनल में शेयर करता हूँ, ठीक है। तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करो, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा सेलेक्शन लो। इस बार मैं चाहता हूँ 200+ सेलेक्शन दूँ, ठीक है। मैं रागा में इंपॉर्टेंट जो सीरीज करा रहा हूँ, 25+ नंबर का गारंटी देता हूँ रागा में, ठीक है, और 15+ किस में, इंग्लिश में, ठीक है। इंग्लिश के लिए मैं मात्र 2 वीडियो लेके आऊँगा, 2-2 घंटा या 3-3 घंटा का, ठीक है, बिल्कुल काम की चीज़ें होंगी, बिल्कुल एज इट इज़ जो एग्ज़ाम में आता है वही चीज़ होगा, ठीक है। सेशन को शेयर करना, अच्छा लगे तो लाइक कर देना, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ो, ठीक है, चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बोलो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ, ठीक है। कोई भी दोस्त, क्योंकि दोस्तों ब्लेसिंग लेना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा जो चैन आप देख रहे हो, टॉपिक 5 चल रहा है हमारा स्पोर्ट पे, थंबनेल पे भी आप लोग देखे होंगे, ठीक है ना, स्पोर्ट सीरीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 100% जैसे 102 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में आपको दिखेगा, ठीक है, जीके में, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। और देखो दोस्तों, करंट अफेयर लोग के लिए आप लोग को टेंशन नहीं लेना, 8 से 10 मंथ का करना था आप लोग करंट अफेयर, मैं पूरा कंपाइल करके रख चुका हूँ, ठीक है, और सभी जितना इंपॉर्टेंट सीरीज जो है जीके का, सभी मैं फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे भी करा रहा हूँ आपको यूट्यूब पे, और इंपॉर्टेंट जो PDF होता है सब टेलीग्राम पे मिलता है, तो टेलीग्राम भी ज्वाइन करना मत भूलना, ठीक है, वहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर करो, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं, देर ना करते हुए अपना सेशन को जल्दी से जल्दी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए, ठीक है। इसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे आज हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट कप्स एंड ट्रॉफीज, ठीक है, जो जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना मैं जो भी बोलूँगा उसको कर जाना, रट जाना, ठीक है, समझ लेना, और वो 100% आपको वही ज़्यादातर दिखेगा, ठीक है। फिर भी जो जो मैं VBI बताऊँगा उसको जरूर कर लेना, ठीक है, वही सब आएगा और कुछ नहीं आएगा। इसमें मैं कराऊंगा इंपॉर्टेंट कप्स एंड ट्रॉफीज, कौन सा कप कौन से गेम से रिलेटेड है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ कराऊंगा नंबर ऑफ प्लेयर्स इन स्पेसिफिक गेम, क्योंकि इससे भी 1 से 2 क्वेश्चन हर एक बार पूछ दिया जाता है, अलग अलग चीज़ें, ठीक है। तो मैं इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको इंक्लूड किया हूँ कि कौन कौन सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस स्पोर्ट ट्रॉफी से आया था, ठीक है, और कुछ करंट अफेयर जो इंपॉर्टेंट कप एंड ट्रॉफी जो हाल में हुए हैं वो भी कराऊंगा, ठीक है, और कुछ जो रिमेनिंग रहेगा स्पोर्ट करंट अफेयर, ठीक है, वो मैं एक वीडियो लाऊंगा करंट अफेयर का, स्टैटिक करंट अफेयर आता है आप लोग का, डायरेक्ट 1 लीनियर आता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ दोस्तों। जीके का टेंशन अभी भी मत लेना, मैं 1000 क्वेश्चन आंसर आप लोग के लिए लूसेंट से निकाल के पिन किया हूँ टेलीग्राम पे, ठीक है, PDF दे चुका हूँ आप लोग को, यहाँ पे कराऊंगा तो सेशन ज़्यादा लंबा होगा, टाइम पास ज़्यादा होगा, ठीक है। तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है, कमेंट में भी लिंक पिन किया हुआ, वहाँ पे आप लोग जरूर ज्वाइन करो ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ठीक है। और सभी वीडियो पाने के लिए वहाँ पे सभी इंपॉर्टेंट वीडियो और सभी क्लासेस टाइम पे मिल जाती है, आप लोग यहाँ पे बेल आइकन को प्रेस नहीं करते, सब्सक्राइब करते, इसलिए आप लोग को वीडियो नहीं मिल पाती है, लेकिन वहाँ पे सभी इंपॉर्टेंट PDFs इंपॉर्टेंट सभी क्लासेस बैक टू बैक आप लोग को मिलती रहेगी, ठीक है। हम अपना ड्यूटी छोड़ के आप लोग को पढ़ाते हैं, ठीक है, ड्यूटी मतलब ड्यूटी में से टाइम निकाल के पढ़ाते हैं आप लोग को, सोचो ड्यूटी करने के बाद मैं खुद AA SSR में हूँ, ठीक है ना, डबल ए में हूँ नेवी में, तो आप लोग को पता होना चाहिए ये सब चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो टेंशन मत लेना, बिल्कुल बिंदास होकर काम करो, ठीक है, जो बता रहा हूँ फेथ रखना सीखो, ठीक है, इधर उधर मत बिल्कुल, लास्ट समय है, ठीक है। तो मैं जितना कर रहा हूँ बिल्कुल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा करंट अफेयर में, स्टैटिक जो है 8 से 10 मंथ का जो भी आ रहा है आप लोग का, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है मैं आप लोग को करा दूंगा, ठीक है, मतलब एज इट इज़ आप लोग 14 क्वेश्चन आ रहा है जीके में, तो 14 का 14 आप लोग कर लोगे, ठीक है, इतना मैं बता दूंगा, ठीक है, 12 तो ईजिली कर लोगे, ठीक है, मतलब 25 का गारंटी लिया मैं कराऊंगा, ठीक है। फिर 8 क्वेश्चन आती है अरिथमेटिक की, उसके लिए भी मैं एक क्लास लाऊंगा, अरिथमेटिक का पूरा सभी कॉन्सेप्ट बता दूंगा, और एज इट इज मोस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा दूंगा, और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो होगा 8 में से तो 5 इजीली कर लोगे आप लोग, ठीक है, 5 से 6
क्योंकि एक दो क्वेश्चन हो सकता है हार्ड दे दे या टाइम कंज्यूमिंग दे दे, बस और कुछ ज़्यादा पूछता नहीं है, ठीक है, पहला चीज़। और दूसरा चीज़ जो आता है 8 नंबर का आता है रीजनिंग, तो रीजनिंग भी मैं इतना आराम से बता दूंगा आप लोग को, एक ही वीडियो में सभी कॉन्सेप्ट को बता दूंगा, ठीक है, बिल्कुल एज इट इज़, समझ में आ रही बातें, बिल्कुल कोई तरह का दिक्कत होने वाला नहीं है। उसके बाद इंग्लिश के लिए भी लाऊंगा और एक्सो ग्रुप के लिए भी लाऊंगा। थोड़ा सा डिले हो गया था दोस्तों, आप लोग को ही मैं बना रहा था वीडियो, शूट कर रहा था, ठीक है, टाइम कम मिलता है हम लोग को तो मैनेज करना पड़ता, ठीक है, तो सेशन को शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, और देर ना करते हुए अपना टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, बहुत कम समय बचा, ठीक है। तो देखो दोस्तों, क्रिकेट में इंपॉर्टेंट जो जो कप है, एशेज कप होता है, ठीक है, उसके बाद एशिया कप होता है, एक सीके नायडू ट्रॉफी होता है, ठीक है, पूरा एज इट इज़ मैं करा दे रहा हूँ, जो जो इंपॉर्टेंट है सभी मैं करा दे रहा हूँ। डेढ़ ट्रॉफी ये एक बार पूछा गया, दुलीप ट्रॉफी एक बार पूछा गया, ठीक है, एशिया कप नहीं पूछा गया, सीके नायडू ट्रॉफी पूछा गया एयरफोर्स में, लास्ट 3 ईयर में जो भी पूछा गया वो भी मैं आप लोगों को करा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे कंपाइल करके रखा हूँ, ठीक है। उसके बाद गावस्कर बॉर्डर ट्रॉफी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जीडी बिल्ला ट्रॉफी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज़्यादा जिलेट कप बहुत बार पूछा गया, 3 से 4 बार पूछा गया जिलेट कप, ठीक है, नेवी SSR डबल में भी पूछा गया था, ठीक है, और MR में भी पूछा गया था। तो ये सब जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ईरानी ट्रॉफी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वन लाइनर में आप लोगों को बता दिया हूँ, जवाहरलाल नेहरू कप होता है, रानी झांसी ट्रॉफी ये भी इंपॉर्टेंट है, और रणजी ट्रॉफी तो सबको पता ही होगा, इसका नाम है महाराजा रंजीत सिंह ट्रॉफी, ठीक है। उसके बाद रोहिंटन ब्रासिया ट्रॉफी, रोथमंस कप, सहारा कप, आप लोग को ये सब बस इतना ही करना, उससे ज़्यादा नहीं। एक इंपॉर्टेंट है सिंगर कप कर लेना, टाइटन कप कर लेना, विजय हजारे ट्रॉफी कर लेना, ठीक है, ये सब जो इंपॉर्टेंट है सब मैं एक जगह करके दे दिया हूँ। विजय मर्चेंट ट्रॉफी दोस्तों एक बार पूछा गया था, ठीक है, विजडन ट्रॉफी एक बार और पूछा गया था, ठीक है, ये दोनों, विल्स ट्रॉफी बस इतना करना आप लोग को, उससे ज़्यादा नहीं करना, ठीक है। उसके बाद देखो दोस्तों, यहाँ पे फुटबॉल के लिए जो जो इंपॉर्टेंट है मैं आप लोग को वही सब करा दे रहा हूँ, ठीक है, बस एक इसका PDF मिल जाएगा आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे विदाउट एनी हेजिटेशन। आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट GK सीरीज दोस्तों देखना, आप लोग को मतलब 14 क्वेश्चन का 12 क्वेश्चन एज इट इज़ मिलेगा, ठीक है, और करंट अफेयर भी मैं कराऊंगा, तो 12 का 12 क्वेश्चन मैं भिरा दूंगा और 14 का 14 क्वेश्चन भी कोशिश करूंगा। एक आध क्वेश्चन का कोई 100% गारंटी नहीं है, लेकिन 90% पूरा मैं भिरा के दिखाऊंगा, 25% सिर्फ सेशन को शेयर करूँ। मेरा सेशन पे व्यू नहीं आ रहा, व्यू नहीं आने का मतलब आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो, शेयर नहीं करोगे तो मुझे भी बंद कर जाना पड़ जाएगा चैनल को, ठीक है, मैं भी अपना ड्यूटी करूँगा। मैं खुद जॉब कर रहा हूँ AA में, आप लोग को पता नहीं होगा, बट मैं आप लोग के लिए टाइम निकालता हूँ, चाहता हूँ कि कुछ ना कुछ ज़्यादा सलेक्शन हो सके चैनल के थ्रू, जो भी मैं अपना देश सेवा कर रहा हूँ साथ साथ आप लोग के लिए भी सेवा कर सकूँ, ताकि आप लोग भी जा सको अपना नेवी में, एयरफोर्स में, समझ में आ रही बात है। तो बिल्कुल एज इट इज़ मैं एयरफोर्स 2 बार क्वालिफाई कर चुका हूँ, 3 बार नेवी क्वालिफाई कर चुका हूँ आप लोग समझो, और 1 बार NDA क्वालिफाई कर चुका हूँ, ठीक है। NDA में मेरा मेडिकल आउट मेरा मेरिट नहीं बना था, समझ में आ रही बात है। SSB में भी 1 बार सिलेक्टेड हूँ, तो इसलिए बात समझो, समझा करो यार, जो बता रहा हूँ फेस रखो, और सेशन को शेयर कर दोगे तो कुछ घटेगा नहीं, समझ में आ रही है। और देखो एक चीज़ मैं बताऊँगा, बहुत ज़्यादा काम की बातें होती हैं, सेशन को शेयर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो ब्लेसिंग लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना ज़्यादा ज्ञान को बढ़ेगा उतना बढ़ेगा, ठीक है। अब बिल्कुल बता रहा हूँ दोस्तों, 1% घाटा नहीं है ये सब वीडियो देखने से, 1% टाइम वेस्ट नहीं होने वाला, ठीक है, जो बता रहा हूँ एज इट इज़, बस रट जाओ। आप लोग जो नए एस्पिरेंट लोग जुड़े होंगे उन लोग को समझ में आएगा जब एग्ज़ाम दोगे तब, सेशन देखने के बाद, ठीक है। और मेरा चैनल है ना, मात्र 10 दिन में तैयारी कराया था पिछले 1 साल से, ठीक है, 95+ सेलेक्शन दिया हूँ एयरफोर्स नेवी जितना भी एग्ज़ाम होता है 12th लेवल और इंडियन डिफेंस फोर्सेस में, इंडियन मिलिट्री फोर्सेस में। देखो किस में सेलेक्शन हुआ था पता है, नेवी SSR AA में। थोड़ा सा मैं आप लोग को बता देता हूँ, आप लोग को फेयर से नहीं रहता, ठीक है, नेवी डबल SSR में आप लोग मतलब 35 बच्चा सिलेक्शन दिया था, और MR में 10 बच्चा, ठीक है, तो सोच लो उसमें, फिर एयरफोर्स एक्सल ग्रुप में भी लगभग 30 से 40 बच्चा दिया था, समझ में आ रही है बातें, तो इतना सारा सिलेक्शन दिया है, 2-3 बच्चा NDA में सिलेक्शन हुआ था, ठीक है। तो ओवरऑल 95+ सिलेक्शन दिया हूँ मैं, लास्ट 1 साल से चैनल बना है, ठीक है, तो आप लोग एनालाइज करके देख सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा रिव्यू देखना तो टेलीग्राम पे जाओ खुद का, बहुत सारा का मैं यहाँ पब्लिकली नहीं करता यूट्यूब पे कि मेरा ऐसा है, अपना बाजार नहीं बनाना चाहता, बस आप लोग को सपोर्ट करना चाहता हूँ, इसलिए यहाँ पे आया हूँ, ठीक है। आप लोग हेल्प करोगे, शेयर करोगे वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा देखोगे, टाइम निकाल के मैं इतना वीडियो बनाता हूँ, ठीक है, तो इससे आप लोग का फ़ायदा हो रहा है तो भी मैं वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो फिर मेरा भी टाइम पास होगा, ठीक है। इसलिए आप लोग सेशन को देखोगे ही नहीं, सिलेक्शन लोगे ही नहीं यहाँ से, क्योंकि जो करा रहा हूँ दोस्तों बिल्कुल एज इट इज़ कराता हूँ, ठीक है, बिल्कुल एनालाइज करके कराता हूँ, बहुत दिन का एक्सपीरियंस के हिसाब से पढ़ाता हूँ, जो जहाँ से क्वेश्चन बनता है एज इट इज़ वही सब चीज़ लेके आता हूँ आप लोग के लिए, ठीक है। और मतलब बहुत ही बड़ा चीज़ सरप्राइज़ भी देने वाला हूँ, जो आप लोग PDF कोर्स खरीदोगे जहाँ से भी पढ़ रहे हो, ठीक है ना, महा PDF आप लोग जहाँ से भी खरीदते हो, ठीक है, उसको मैं यहाँ पे कराने वाला हूँ, ठीक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। और जो मैं अपना एनालाइज मैं जो करा रहा हूँ दोस्तों, सिर्फ मैं अपना महा PDF बनाने वाला हूँ, ठीक है, एक, ठीक है, डिफेंस ऑफ डिफेंस क्लासेस के द्वारा एज इट इज़ GK का कहीं पर भी पढ़ोगे
उससे बेस्ट कहीं नहीं होगा, ठीक है। तो ये सब जो करा रहा हूँ फेथ रखो, ठीक है। देखो फुटबॉल में रोवर्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछा गया था, 2 बार एनडीए में भी पूछा गया, ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। एयरफोर्स वाई ग्रुप में 3 बार आया ये क्वेश्चन एज इट इज़। रोवर्स का मेडिका कप भी 1 बार आया, ठीक है। कॉन्फेडरेशन कप नहीं आया, इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। जो मैं कराऊंगा उसी को करना। डीसीएम ट्रॉफी भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ड्यूरेंट कप जरूर करना, फुटबॉल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। नेवी एमआर में 2 बार आया, ठीक है। तो दोस्तों जो भी आप लोग का काम का है मैं आप लोग को कराता हूँ। बीसी राज ट्रॉफी कर लेना, ठीक है, ये नेशनल लेवल पे होता है, ठीक है, नेशनल चैंपियनशिप होता है। बंडोडकर ट्रॉफी जरूर कर लो, ठीक है। जूल्स रिमेट ट्रॉफी उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बट कर लो, ठीक है। संतोष ट्रॉफी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वी वी आई जिसको बोलते हैं ना, बहुत ज़्यादा, जितना वी वी आई लगा सकते हो उतना बी का पावर एन लगा लो, बहुत ज़्यादा। कलिंगा कप लगा लो, ठीक है। आईएफए सील्ड वाला भी बहुत बार पूछा गया, ठीक है। मैंने खुद जब एग्ज़ाम दिया था, इतना सारा एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हूँ, ठीक है, उस समय ये सब क्वेश्चन भी आया था, उस समय से क्वेश्चन आ रहा है ये सब। और एक क्वेश्चन एज इट इज़ रिपीट करता, क्योंकि मैं आप लोगों को बार बार बताया कि 70% एज इट इज़ सिलेबस जो है ना, मतलब एज इट इज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उठा के देता, और मेरे पास पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एज इट इज़ बुकलेट है। 80% मतलब 20% ही मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, बाद बाकी मैंने खुद जब एग्ज़ाम दिया था तो मतलब एनालाइज किया हूँ। और मैं, मेरा सिलेक्शन लिए ज़्यादा दिन नहीं हुआ, मैं 2018 का जो सेकंड अटैम्प्ट था उसी समय मैंने सिलेक्शन लिया था। और कुछ प्रूफ चाहिए तो आप लोग जाके मेरे टेलीग्राम पे देख लेना कितना सारे स्टूडेंट लोग सिलेक्शन लिए हैं हमारे सेशन के, तो ठीक है। मैं कम समय में ज़्यादा आउटपुट देता हूं, मैं बिल्कुल एग्ज़ाम टाइम में पढ़ाता हूं। आप लोग डिमांड किया था कि सर आप लोग बेसिक से पढ़ाओ, शुरू से पढ़ाओ, तो मैं 3000 सेलेक्टेड क्वेश्चन सीरीज यहाँ पे स्टार्ट किया था, ठीक है। एनडीए के लिए मैं 3 ब्रह्मास्त्र सीरीज दिया था, ठीक है। जीके में 600 प्लस होता है टोटल मार्क्स, ठीक है ना, एनडीए के लिए। अभी जो एग्ज़ाम हुआ था 2020 का, 1 और 2 दोनों मिला के हुआ था, कंबाइन हुआ था, आपको पता होगा 6 सितंबर को। तो उसमें से 300 प्लस का मैंने मात्र 3 घंटा का 3 सेशन लिया था, 9 घंटा में पूरा 300 प्लस मार्क्स का कवर कराया था, और एक एक क्वेश्चन को एनालाइज करके दिखाया हूँ, ठीक है। टेलीग्राम पे भी बहुत सारा लड़का लोग रिटेन क्वालिफाई किया, टेलीग्राम पे जाके देखो बहुत सारा लड़का लोग को इंटरव्यू दिया हुआ, ठीक है, कि हमारे चैनल के थ्रू इतना सारा सेलेक्टेड हुआ है, ठीक है। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ आप लोग का फ़ायदा है। देखो दोस्तों आप लोग कहीं पे भी YouTube पे पढ़ो मुझे मतलब नहीं है, बट हमारे चैनल को फॉलो करना इसलिए मैंडेटरी है, क्योंकि मैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाता हूँ, ठीक है, एज इट इज़ जो एग्ज़ाम में आता है। टाइम पास करने नहीं आता हूँ, क्योंकि मैं वही पढ़ाता हूँ जो एग्ज़ाम में आए, और बहुत एनालाइज़ करता हूँ, ठीक है। हार्ड वर्क मैं करता हूँ, आप लोग को स्मार्ट वर्क यही करना है कि चूज करो अच्छा चैनल जो आप लोग को पढ़ा रहा है, जैसे कि हमारा चैनल। आप लोग खुद रिजल्ट देखिएगा, एक बार फॉलो करके देखो, ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इतना सारा बताने का मतलब यही चीज़ है, बाद बाकी आप लोग का मन है शेयर करो अच्छा लगे तो, ठीक है। बाद बाकी आप लोग इस बार एक बार मेरे बात को मानो, ठीक है, बात रख सकते हो ना, बात रखो, पढ़ के जाओ ये सब चीज़। एग्ज़ाम में आप लोग को लॉस कहीं नहीं हुआ, ठीक है। आप लोग जहाँ से पढ़ो पढ़ो, लेकिन 15 से 20 मिनट, 10 से 15 मिनट हमारे चैनल को दो, और यहाँ से पढ़ो जो मैं करा रहा हूँ, जितना भी सेशन है, जो भी एग्ज़ाम दे रहे हो एयरफोर्स नेवी, ठीक है, जैसे जो भी सब्जेक्ट आपका रिलीवेंट है उस चैप्टर को देखो, उसके मतलब जो भी वीडियो आ रहा है आपका एग्ज़ाम से लिखा हुआ, नेवी डबल SSR के लिए है या एयरफोर्स एक्स के लिए है, तो उसके लिए उस चीज़ को देख लो, ठीक है, और अपना नोट्स बना लो। इस सब का नोट्स बना लेना जरूर, जो जो इंपॉर्टेंट BBI में बोल रहा हूँ उसको जरूर लिख लेना, ठीक है। जैसे कि इंपॉर्टेंट कप ट्रॉफी अभी जो करा रहा हूँ उसको जरूर लिख लो, जो इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ उसको तो लिख ही लो, एज इट इज एग्जाम में आएगा, ठीक है। जब ऑफलाइन पेपर हुआ करता था तब भी आता था और अब भी आता है। श्री आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी सबसे ज़्यादा टोड मेमोरियल ट्रॉफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसमें। और सुब्रतो कप, संतोष ट्रॉफी, ये सब, विट्टल ट्रॉफी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, UEFA चैंपियंस लीग होता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। और कुछ ज़्यादा है नहीं यहाँ पर फुटबॉल में, ठीक है। फुटबॉल में 4 कप मैंने बताया, बंदोदकर ट्रॉफी कर लेना, जूलियस रिमेट ट्रॉफी कर लेना, सबसे ज़्यादा सीजर कप करना, सीजर कप SCI SSR सीजर कप, ठीक है। उसके बाद संतोष ट्रॉफी कर लेना, ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना, IFS सील्ड कर लेना, ठीक है, IFS सील्ड कर लेना, मुर्गप्पा गोल्डन कप कर लेना, सिंधिया गोल्ड कप कर लेना, बस सॉरी रोवर्स कप कर लेना, मर्डिका कप कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, टूरेंट कप कर लेना। 4-5 कप मैंने बताया फुटबॉल के लिए बहुत ज़्यादा बार रिपीट होता है, ठीक है। उसके बाद देखो दोस्तों हॉकी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सुल्तान हजलांसा कप, एक क्वेश्चन फिक्स आपको मिलेगा, ठीक है। मैं एनालाइज कराऊंगा मेमोरी वेट पेपर जब आएगा तो देखना, ठीक है। उसी तरह अरिथमेटिक का मैं आप लोगों को लगभग कुछ क्वेश्चन कराऊंगा और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कराऊंगा, उसमें से देखना सब हो जाएगा आपका, सब क्वेश्चन करके आओगे, ठीक है, मतलब रटवा दूंगा पूरा कॉन्सेप्ट, और आप लोग कम समय में कर पाओगे। मेरा पढ़ाने का स्टाइल बहुत अलग है सबसे हट के, इसलिए मैं बता दूँ कम समय में ज़्यादा आउटपुट आप लोग को मिलेगा। कंपटीशन के वे में पढ़ाता हूँ, ठीक है। अगा खान कप, ठीक है, महाराजा रंजीत सिंह कप, ठीक है, ध्यानचंद ट्रॉफी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिंधिया गोल्डन कप, ठीक है, गोल्ड कप ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मुर्गप्पा गोल्ड कप सभी एक एक क्वेश्चन आया था, ठीक है, विलिंगडन कप सभी एक, यही सब क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा नहीं। स्टैंडले कप बस इतना ही कर लो, उससे ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है, हॉकी के लिए। उसके बाद ज़्यादा जो पूछा जाता है सबसे इंपॉर्टेंट, टेबल टेनिस का ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, फिर भी मैं आप लोग को बता देता हूँ, बामा बैलक कप कर लो, स्वांथलिंग कप कर लो, बस इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है।
ये हो गया। उसके बाद लॉन टेनिस में देख लो, डेविस कप इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डेविस कप। उसके बाद ऑस्ट्रेलियन ओपन इतना इंपॉर्टेंट है कि आप भूल जाओ, फ्रेंच ओपन ये सब पता है, विंबलडन ओपन यही सब होता है और सबको पता है। ये सब आपको पूछेगा क्या इसका विनर कौन था अभी 2019 में, तो ये मैं आप लोग को करंट अफेयर का एक जो सेशन होगा वो उसमें कराऊंगा, ठीक है। और इंपॉर्टेंट मैं एक 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 घंटा का और वीडियो लाऊंगा, ठीक है, एग्ज़ाम से 5 दिन पहले, ठीक है, एग्ज़ाम से 5 दिन पहले। या इतना जान लो कि कितना तारीख को मैं बताऊँ, यही 29 या 30 तारीख को मैं लेके आऊँगा, ठीक है, एक पूरा कॉपी, ठीक है। मतलब उस सेशन को कर लेना, उसको रट जाना, उसका PDF दे दूंगा, ठीक है, बिल्कुल एज इट इज़, बस उतना कर लेना। GKM 14 का 14 करके आओगे, या बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आएंगे तो 12 तो ईजिली करके आओगे, ठीक है। मैं हिस्ट्री ज्योग्राफी सभी उसमें रहेगा, ठीक है। और जितना इंपॉर्टेंट सेशन करा रहा हूँ GK का, उसको कर लेना, ठीक है। GK का टेंशन मत लेना, करंट अफेयर का टेंशन मत लेना, उसी से सब आ जाएगा, ठीक है। सोचो इतना कम समय में, इतना कम दिनों में पूरा एज इट इज़ जो 4 साल 5 साल मतलब जो 8-8 महीना से प्रिपरेशन कर रहे हैं, 1-1 साल से, मैं पूरा आप लोग को मात्र 10 से 15 दिन में कंप्लीट करा दे रहा हूँ। पूरा रागा मैं आपको लग 1-1 साल से तैयारी करते नहीं निकल पाता, अब मैं गारंटी दे रहा हूँ आप लोग को। देखना आप लोग को दोस्तों, सेशन देख के जाओ, गारंटी बता रहा हूँ, बिलीव नहीं करोगे, बहुत अच्छा करके आओगे, बस इतना जान लो। समझ में आ रहा, सिर्फ सेशन को शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल पर जोड़ो, ठीक है। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए और कुछ नहीं, पढ़ाई का तो टेंशन मत लो, सिलेक्शन दिलाने का टेंशन मत लो। मैं मेडिकल का इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगा, जो आप लोग को मतलब अंदर की बातें जो होती है वो सब चीज़ बताता हूँ आप लोग को, जो इंपॉर्टेंट होने वाला होता है आप लोग देखोगे ये चीज़ में। फिजिकल जो होता है, फिजिकल में कैसे तैयारी करना आप लोग को, ठीक है, समझ में आ रहा है, सभी चीज़ मैं बताता हूँ। तो सेशन को शेयर किया करो बस, और कुछ नहीं, ठीक है। टेबल टेनिस मैंने बता दिया आप लोग को जो जो इंपॉर्टेंट था, बामा बेला कप उसके ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। लॉन टेनिस आप लोग को पता है सबसे इंपॉर्टेंट, लॉन टेनिस में डेविस कप पूछा गया था एक बार नेवी एमआर में, ठीक है। और नेवी एमआर का जो डायरेक्ट क्वेश्चन जो होता है सब अरिथमेटिक वाला होता है, मतलब जितना भी नॉन टेक्निकल पोस्ट है एयरफोर्स फाइव ग्रुप के लिए ही सिलेबस होता है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बैडमिंटन में देख लो, अमृत दीवान कप, एशिया कप तो होता ही है, चड्डा कप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछ देगा चड्डा कप कौन सा गेम से रिलेटेड करता है, ठीक है। यूरोपियन कप, हरीलीला कप, ठीक है, उसके बाद इब्राहिम रहीमा ताली चैलेंज, ठीक है, कोनिका कप, सोफिया कप सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कितिकारा कप जितना सबसे ज़्यादा मलेशियन ओपन, ठीक है, कितिकारा कप, थॉमस कप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उबर कप, ये दोनों तो पक्का कर लो, इसी में से आएगा, ठीक है, इसी में से आएगा, बैडमिंटन में आएगा तो इसी से आएगा, ठीक है। इतना हो गया। अब एक चीज़ आप लोग को, एक अभी मैं इंपॉर्टेंट स्पोर्ट टर्म्स, स्पोर्ट टर्मिनोलॉजी होता है जो, ठीक है, स्पोर्ट टर्म्स जो होते हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड जो होते हैं वो कराऊंगा, ठीक है। देखो यहाँ से मैं इंपॉर्टेंट कर रहा हूँ, एथलीट में जो यूज होता है, जितना भी रनिंग होता है, ठीक है, देखो ज़्यादा सब आपको जो भी थोड़ा सा स्पोर्ट्स का नॉलेज रखते होगा ये सब सभी चीज़ पता होगा। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड होता है जिसको बहुत कोई कम को पता होता है, फोटो फिनिश जैसे कि एथलेटिक में यूज होता है, रिले बहुत कम को पता होता है, हर्डल बहुत कम को पता होता है, शॉट पुट बहुत कोई को पता भी होता है नहीं भी पता, डिस्कस थ्रो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन चीज़ है, ठीक है, हैमर थ्रो सबको पता होता होगा, हाई जंप पता होता होगा, ट्रिपल जंप, क्रॉस कंट्री, ठीक है, तो ये चीज़ कंप्लीट नहीं होता होगा, ठीक है। ट्रिपल क्रॉस कंप्लीट, ट्रिपल जंप क्रॉस कंट्री कर लेना, फोटो फिनिश कर लेना, फोटो फिनिश एथलेटिक के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इससे एक क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। बैडमिंटन शटल कॉक सबको पता होगा, सर्विस कॉर्ट पता होगा, डबल फॉल्ट ये नहीं पता होगा, ठीक है, डबल फॉल्ट इंपॉर्टेंट है, फोरहैंड इंपॉर्टेंट है, बैकहैंड इंपॉर्टेंट है, स्मैट्स इंपॉर्टेंट है, हिट ड्रॉप नेट, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लव, बैडमिंटन से जो है लव, लव वाला जो चीज़ है इससे क्वेश्चन आ सकता है। लव इज़ द लव इज़ द स्पोर्ट टर्म रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, इस टाइप से आप लोगों का क्वेश्चन बनेगा, और बना भी है एक बार NDA में आया था, तो सोच लो एयरफोर्स फाइव ग्रुप में भी पिछली बार पूछा गया था, क्या पता है, बटरफ्लाई, बटरफ्लाई किस खेल से रिलेटेड है, ठीक है, तो बटरफ्लाई पता है स्विमिंग से रिलेटेड है। आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊंगा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया था, ठीक है। बास्केटबॉल में फ्री थ्रो होता है, कॉमन फॉल याद कर लेना, जो कि बेसबॉल में भी होता है, ठीक है, मतलब आपका और भी चीज़ में होता है, ठीक है, फुटबॉल में भी हो जाता है, अंडर हेड, टेक्निकल फॉल, ओवर हेड, ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट है। बेसबॉल में देख लो, बेसबॉल में बहुत कम होता है, पिचिंग, होम रन सबसे ज़्यादा फेमस है, पूछ सकता है, बेस्ट रनर पूछ सकता है, परफेक्ट गेम, थ्रो स्ट्राइक, पुट आउट, बस इतना ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद ब्रिज देख लो, ब्रिज में मास्टर पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ग्लैंड स्लैम इंपॉर्टेंट है, परफेक्ट डील्स इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डमी एंड ट्रंप, ये दोनों कर लेना, क्वेश्चन में पूछा गया। बिलियार्ड्स और स्नूकर, इसमें पूल इंपॉर्टेंट है, क्यू हिट, ऑब्जेक्ट बॉल सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको पूछ देगा, क्वेश्चन बिलियार्ड से नहीं देखा, क्वेश्चन दे देगा, तो पूछ सकता है कौन सा खेल से रिलेटेड है, ठीक है। स्कोरिंग भी है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्यू और हिट, ठीक है, इसमें बिलियार्ड से करो। बॉक्सिंग में देख लो जल्दी से, बॉक्सिंग में देख लेते हैं हम लोग, नॉकआउट, रिंग स्टॉपेज, पंच, राउंड, अपरकट, किडनी पंच, टाइमिंग, फुटवर्क, बस इतना, इससे ज़्यादा नहीं पूछता आप लोग तो एग्जाम में, ठीक है। आगे देखते हैं चेस में, येलो रेटिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, ग्रैंड मास्टर सबको पता होगा, गैम्बिट देख लो, किंग, इंडियन डिफेंस,
और बस यही चीज़ इंपॉर्टेंट। साइकिलिंग में स्प्रिंट देख लो, टाइम ट्रायल देख लो, जैसा कि स्प्रिंट सीरीज भी हम लोग चला रहे हैं, मतलब कम समय में ज़्यादा आउटपुट देने का, ट्रैक रेस, पॉइंट रेस, बस इतना ही चीज़ इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्रिकेट देख लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें देखो पाँच चीज़ इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेल्स, दूसरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या पता, चाइनामैन। चाइनामैन देखा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, चाइनामैन। बाकी सभी को पता होगा लेकिन फिर भी बहुत कोई को नहीं पता होता, ठीक है। यहाँ पे चाइनामैन आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन पूछा गया चाइनामैन, चाइनामैन हो गया, ठीक है। उसके बाद लेग बाय हुक, हुक कर लेना, ठीक है। लेट कट तो ये सब तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आप लोग को बहुत ज़्यादा इसमें तो दिख नहीं रहा। चाइनामैन हो गया और वॉचमैन हो गया, ठीक है, वॉचमैन। इसमें क्रिकेट में देख लो, क्रिकेट का मैं बता रहा हूँ, क्रिकेट में दो वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वॉचमैन, नाइट वॉचमैन, ठीक है, नाइट वॉचमैन नाम है, और एक चाइनामैन नाम है, ठीक है, बस दो चीज़ चाइनामैन। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट बात, बाकी आप लोग सभी जितना भी यॉर्कर गली सब चीज़ जो है ना आप लोग को पता ही होगा, ठीक है। फुटबॉल में देख लो, किक, गोल, हेड, पेनल्टी किक, ठीक है, ड्रिबल ऑफ साइड, हैट्रिक डिफेंडर साइड बैक, ये सब पता है। रिबाउंड सबसे इंपॉर्टेंट, रिबाउंड, कमर बाइक, ये इंपॉर्टेंट है। जिमनास्टिक देख लो, पैरेलल बार, हॉरिजॉन्टल बार, पुशअप, फ्लोर एक्सरसाइज, अनइवन बार, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक हॉकी में देख लो, हॉकी का इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं, एस्ट्रोटर्फ, ठीक है, सडन डेथ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है सडन डेथ, ठीक है। पुशिंग कट, स्कूप, ड्रिबल, जो मैं करा रहा हूँ बस उसको याद रखना, उससे ज़्यादा नहीं। स्ट्राइकिंग सर्कल हो गया, ठीक है, बस इतना ही। पेनल्टी तो ये सब तो इंपॉर्टेंट है, कॉर्नर। हॉर्स राइडिंग में देख लो, सबसे इंपॉर्टेंट जो है सो जंपिंग, ठीक है, और एक फॉल्ट। जूडो देख लो, कोकोआ, कोकोआ, ग्रीन बेल्ट, वाइट बेल्ट, ब्लू बेल्ट, ठीक है, ब्लैक बेल्ट भी होता है, तो ब्लैक बेल्ट कराते में होता है। पोलो देख लो, पोलो, बंकर, मैलेट, चक्कर, ये तीन इंपॉर्टेंट है बस। शूटिंग में रैपिड फायर, पिस्टल, स्टैंडर्ड फायर, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्विमिंग में देख लो, बटरफ्लाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फ्री स्टाइल, बैक स्ट्रोक, फिर ब्रिस्ट स्ट्रोक, ठीक है, लेन क्रॉल, बस ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। टेबल टेनिस देख लो, इसमें बैक लेट सर्विस हो जाएगा एक इंपॉर्टेंट बस, और चॉप, चॉप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेबल टेनिस में। उसी तरह इसमें भी चॉप ही है, ठीक है ना। ड्यूस, ड्यूस इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और बस नेट प्ले, नेट प्ले मतलब नेट में खेलने के लिए, ठीक है। उसके बाद देख लो, बूस्टर हो गया, ड्यूस इसमें भी है, वॉलीबॉल में, वॉलीबॉल के लिए इंपॉर्टेंट है। साइड हो गया, साइड आर्म, और पेनिट्रेशन, ठीक है, पेनिट्रेशन इंपॉर्टेंट है। वेट लिफ्टिंग देख लो, जर्क हो गया। रेसलिंग देख लो, हेल नेल्सन, हेल नेल्सन और हीव, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बस इतना ही था इंपॉर्टेंट टर्म, ने तो ये हो गया। और देख लो दोस्तों, नंबर ऑफ प्लेयर्स इन, तो यहाँ पे देख लो एक इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, नंबर ऑफ प्लेयर्स इन पॉपुलर स्पोर्ट जो है, और जो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसको मैं करा दे रहा हूँ आप लोगों को जल्दी से, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट देख लो, सबसे इंपॉर्टेंट जो पूछा जाने वाला है, रग्बी, फुटबॉल में 15 होता है, बहुत बार पूछा गया। पोलो में 4 होता है, ठीक है। उसके बाद वाटर पोलो में 5-7 होता है, ठीक है, याद रख लेना। खो खो में 9 होता है, कबड्डी में 7 होता है, ठीक है, जूम में कर दे रहा हूँ, हो सकता है आप लोग को ना दिखे। कबड्डी में 7 होता है, याद रखना। हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट में 11 होता है, नेटबॉल में 7, वॉलीबॉल में 6, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जो भी बता रहा हूँ मैं इधर लिख दे रहा हूँ, हो सकता है आपको ना दिखे। उसके बाद बैडमिंटन, टेनिस, बैडमिंटन, टेनिस एंड टीटी, टेबल टेनिस, ठीक है, इसमें कितना होता है, 1 या 2, ठीक है, आप लोगों को सभी को पता होगा। बिलियर्ड, स्नूकर में 1 होता है, ठीक है। उसके बाद ब्रिज में 2 होता है, क्रॉकेट में 13 और 15 होता है। क्रॉकेट, क्रॉकेट कैसा गेम है आप लोगों को नहीं पता होगा, ठीक है ना। लैक्रोस में 12 होता है। बेसबॉल में कितना होता है पता है आप लोगों को, नहीं पता होगा। बेसबॉल के लिए मैं बता देता हूँ आप लोगों को, बेसबॉल में भी 9 होता है, ठीक है। तो बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा नहीं, बाद बाकी कभी नहीं, ठीक है। और सभी का पीडीएफ आप लोग को चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। मैं कम समय में आप लोग को ज़्यादा आउटपुट देने की कोशिश किया हूँ, ठीक है। और बस इतना ही पूछा जाएगा स्पोर्ट में, इंपॉर्टेंट कप्स, इंपॉर्टेंट ट्रॉफीज, ठीक है। और कौन सा प्लेयर कितना, कौन सा गेम में कितना कितना होता है। जिमनास्टिक में याद रखना, सेवरल इंडिविजुअल कंप्लीट सिमल्टेनियसली, अलग अलग एक एक करके जिमनास्टिक में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो ये सब नहीं पूछा जाए, ज़्यादा चांस है आपको पूछने का। वाटर पोलो में पूछ सकता है, खो खो में पूछ सकता है, कबड्डी में पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद रग्बी में पूछ सकता है, रग्बी फुटबॉल जो होता है उसमें 15 खेला जाता है, याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद टेबल टेनिस ये सब नहीं पूछेगा। बास्केटबॉल में आप लोग को पूछ देगा 5, ठीक है, बास्केटबॉल में इंपॉर्टेंट है, याद रखना 5। उसके बाद और कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है। बस चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, ठीक है। सेशन को शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सीरीज आपको टिल एग्जाम तक चलेगा, ठीक है। एग्जाम से मतलब 5 दिन पहले मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट करके रिवाइज करा दूंगा, ठीक है, सभी पीडीएफ दे दूंगा। और 95% चांस है कि 25 नंबर मैं आप लोग को दिलाने में समर्थ रहूँगा, ठीक है। रागा मैं बहुत वेल मैनर्ड में प्रिपेयर करा रहा हूँ, जो मैं दिखा रहा हूँ। सेशन को देखो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा लगे तो लाइक कर देना, ठीक है। और
अगला सीरीज भी कल आएगी, ठीक है। एक्सो ग्रुप वाले टेंशन मत लेना, मैथ के लिए 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगा, 300 इंपॉर्टेंट, और फिजिक्स के लिए भी 300 इंपॉर्टेंट, ठीक है, जिसमें कि मतलब पूरा कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। थोड़ा सा भी अगर आप लोग मेहनत करोगे तो आप लोग इतना तो गारंटी देता हूँ 15-15 ले आओगे दोनों में, सभी में आराम से 15+ लेके आओगे, ठीक है। उसी तरह इंग्लिश में भी 15, मतलब ओवरऑल 45+ स्कोर मैं आप लोग को बता रहा हूँ। तो बिल्कुल बिंदास होकर प्रिपरेशन करो, एक्स ग्रुप वाले लोग के लिए भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी जहाँ से भी हो सके पढ़ो, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाओ, जो भी नए एक्सपीरियंट लोग जुड़ते हो, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट।